समझो ट्रेन आने में कितनी देर है, देखो आते ही क्या हंगामा करता है। अच्छा सुनो, तुम्हारा कुछ गुलमाल या लफड़ा तो नहीं? इसका मतलब? मतलब है कि तुम तो अच्छी तरह जानते हो साला सोम साहब एक नंबर। खैर छोड़ो, आओ चाय पी ले। तुम्हें बताओ आखिर मैंने क्या किया? और जो कुछ थोड़ा बहुत किया हो तो सिर्फ अकेले के लिए नहीं, और क्या कोई नहीं करता? तो फिर सारा दोष मेरा क्यों? रिपोर्ट सिर्फ मेरे ही नाम पर क्यों? देखो वो यहां आ रहे हैं, हाथ पैर जोड़ दो, शायद वो माफ कर दें। दिमाग खराब है सोम साहब और माफ कर दें? कोई फायदा नहीं उनके सामने गिड़गिड़ाने का। लेकिन मैं सोचता हूं 2 महीने के बाद मेरा गौना है, अगर रिपोर्ट उपोर्ट हो गई तो। बार बार कह चुका हूं ये जी हुजूरी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, चापलूसी से आप लोग मुझे खुश नहीं कर पाए। मैं पुराने ढंग का आदमी हूं, ड्यूटी फर्स्ट सेल्फ लास्ट, यही मेरा मोटो है। अच्छी तरह ड्यूटी कीजिए, मैं खुश रहूंगा, और अगर काम से जी चुराया ये कोई गड़बड़ की तो समझ लीजिए आप लोगों की खैर नहीं, झुक झुक कर वो सलामिया दागने से कोई फायदा ना होगा। यहां वो टिकट कलेक्टर था जादव पटेल। ए जादव भाई,
कैसा भीगी बिल्ली की तरह दुबका हुआ है। पैसे बनाने के तरीके खूब जानता है, घूस लेने में उस्ताद। घबरा मत बच्चू, तुम्हारी रिपोर्ट तैयार हो गई है। किस तरह घुर घुर के देखता है। ये तो आपकी मर्जी है कि आप उन्हें भला कहें या बुरा, लेकिन भुवन सोम आदमी हैं ही ऐसे। कुछ लोगों का कहना है कि वे बहुत ढीठ हैं, नहीं तो भला कोई अपने ही बेटे को नौकरी से निकालता है और क्या करता, उसे गोद में बैठा के शाबाशी देता। आखिर गैर जिम्मेदारी की भी हद होती है। ऑफिस को सराय समझ लिया, बिना कुछ कहे सुने एक दिन अचानक गायब हो गया। न जाने कौन से गुरु जी हैं जिनका जन्मदिन मनाने काशी पहुंच गया, और इस पर भी लोग उम्मीद करते हैं कि मैं उसे अच्छा सलूक करता। चौतोशोर बेटा आजकल स्वामी बने हुए हैं, गुरुजी के ब्रह्मचर्य विद्यालय में मास्टरी करते हैं, तीन तीन बार बीए के इम्तिहान में फेल हुए और अब बन बैठे हैं मास्टर। बहुत बरसों तक एक अजीब अकेलेपन की जिंदगी बिताने के बाद आज अचानक सोम साहब अपने ऑफिस की चारदीवारी से निकलकर बाहर एक नए संसार में आ गए। सदा अकेले, एकदम अकेले, यही तो उनकी जिंदगी है। देखिए ना, जब तक घरवाली जिंदा रही सोम साहब ने कभी उसे चैन की सांस नहीं लेने दी। अपनी अजीब आदतों से उसका जीना दूभर कर दिया। एक इकलौता लड़का है सो वो भी अपने पिता के साथ नहीं रहता। हाँ, ऑफिस के कर्मचारी उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन पीठ मोड़ते ही कहते हैं साला। बंगाल, शोनार बंगाल, महान बंगाल, विचित्र बंगाल। सीधी सी बात है, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई हम बंगाल के सिनेमा कर्मचारी सिनेमा नहीं चलने देंगे, कभी नहीं चलने देंगे। इसी बंगाल के हैं भुवन सोम, 16 आने खरे। बरसों बंगाल के बाहर रहने के बाद भी जिनका बंगालीपन नहीं गया। भुवन सोम एक विशुद्ध बंगाली। रेलवे के बहुत बड़े अफसर हैं सोम साहब, अपने काम के पक्के और बड़े ईमानदार। अपने जीवन में देखा तो बहुत कुछ है सोम साहब ने, पर पता नहीं उससे कुछ सीखा भी है या नहीं। और ये है उनकी दुनिया। Thank you.
25 बरस तक कठिन नियमों से भरा जीवन बिताने के बाद सोम साहब को अचानक शायद अनजाने ही कुछ अजीब सा लगने लगा। वे रोज रोज की अपनी नीरस जिंदगी से उबने लगे। तो सोम साहब जा पहुंचे एक मशहूर शिकारी के दीवान खाने। शिकार भलोई मुंदन आए और सोम साहब ने तय कर लिया हम भी शिकार खेलेंगे। एक दिन ऑफिस से छुट्टी ली और शिकार खेलने यहां आ गए। लेकिन सोम साहब शिकार किसका करेंगे? शेर का? ना ना की दरकार वो सब ये काफी सोच समझ कर उन्होंने तय किया कि उनको चिड़ियों का शिकार करना चाहिए और वे पक्षी विशेषज्ञ हो गए। फिर एक दिन वे अपने चिड़िया मार अभियान पर निकल पड़े। इस डाक बंगले में रहेंगे। कल सवेरे उनकी चिड़िया शिकार यात्रा शुरू होगी। वे करीब 10 मील बैलगाड़ी में जाएंगे, फिर उसके बाद पैदल। लोगों का ख्याल है ये सोम साहब का नया शौक है। शौक ना घेचू, खाना तैयार है साहब।
हम क्या करें? क्या हिंदी भी आती है तुमको? हाँ जी सरकार, सरकार बंगला चौकीदार बोला कि साहब गुजराती नहीं समझे, मैं हिंदी जानू, मैं हिंदी पहचानू, फिक्र ना करे। हाँ इसीलिए गाना सुनाया। हाँ देश देश के आदमी हमारे यहाँ आते हैं, मैं साहब के सवारी फिरा हूँ, इसीलिए मैं हिंदी सीखी गया। ली ली मैं राजस्थानी पार जानू। अच्छा हाँ अरे थारी जनारी रबार परो कर जी बाविराजी, अरे थारी जनारी रबार परो कर जी बाविराजी, रबार परो कर जी। बांग्ला जी साहब, बांग्ला जानो बांग्ला। चालाकी रे 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 अरे सारे चलाड़ी गोबास पर ना करो तो तेज चले नहीं, बस तेज नहीं चले तो देर हो जाए।
और देर हो जाए तो पंखी उड़ी जाए, अब पंखी उड़ी जाए तो जाना बेकार। चलाओ चलाओ साहब, वो गदगदिया को क्या 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 बोला? कतुकुतु नहीं, कतुकुतु नहीं, वो क्या बोला? वो सुसुरी सुसुरी क्या लैंग्वेज बनोगे क्या? कौन सा गांव है? कुक्कड़ बाद गांव से मोटू गांव। साहब पंखी नो शिकार करवा जाए थे। साहब पंखी नो शिकार करवा जाए थे। जी साहब, गाड़ी क्यों रोकी? इलाका छोकरिया बाप तो पाने के खेतों में मेरा जन्म हुआ ना, इसीलिए मेरा नाम सिंह दाना। वो देखो वो सिंह दाने के खेतर है ना, वहां मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्म के बाद वही मेरा माँ मरी गई। उतर जाओ, जल्दी करो। अरे बंदूक नहीं चलाओ। क्यों समझे नहीं? धीरे धीरे उतर जाओ, जल्दी करो यार।
उतरी जा सामान लो। अरे जल्दी भागो साहब, जल्दी भाग। ये भी लो, जल्दी करो ना, सब ले जाओ सब सब ले। ये बता, भागो जल्दी। हिश, जा। ऐसा मत करो, ऐसा ना करना। कुछ करो, अरे सिंगदाना। भैंसा से क्या डरना। अच्छी बदमाशी, सवारे इतनो मार खा दो तो ये वो नहीं वो बेशरम। हे हे, हमारे साहब ने क्या विद्या करी तुम्हारा पड़ा है, हैं? जेयो कमबख्त बदमाश। हां, तमे तो मारता था। हां हे हे, जो जो जरा त्या जा ऊपर। मेरा गड्ढा क्या आ गया?
બેટા मिट्टी का हम चिड़िया का शिकार करने आए, कहाँ मिलेंगे? हिंदी नहीं समझते? मोटू गांव साचू मोटू गांव छे। પંખીનો પંખીનો શિકાર કરવા બે બર્ડ ભાગ ગયે પેદલ પંખીનો દરિયા રસ્તો રસ્તો બતાવો પૈસા લો લો क्यों नहीं लोगे? क्यों नहीं लोगे? हाँ लेना ही पड़ेगा। तुम्हें लेना लेना ही पड़ेगा। लेना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं। उसको बताओ पैसा लो। लेना ही पड़ेगा। क्यों नहीं लोगे? क्यों नहीं लोगे? रस्तों बताओ। चलो। ए गंगा, अने रास्तों बता दी। पाचो आऊचो। चलो। મારી પાછી
बीड़ी फेंक दो, नहीं तो पंखी उड़ जाएगा। बापू ने खाटला भेजा है। आपको बैठने को कहा है। चाहे तो घर चलकर आराम कर सकते हैं, बापू ने कहा है। देख क्या रहे हैं, पंखी अभी एक घंटे तक इस तरफ नहीं आएंगे। कौन है तुम्हारा बाप?
वो देखो वो नीम का झाड़ है ना, उधर नहीं इधर, हाँ ठीक उसके पीछे है हमारा घर। मेरे बापू दामू पटेल आपको पहले ही देख लिया था। पहले ही देख लिया था, उनका सारा देखना वेखना धरा रह जाता। तुम्हारे भैंसा ने तो मेरी छुट्टी कर दी थी। बैठो ना खटिया पर। नहीं आप बैठोगे नहीं तो बापू डांटेंगे। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ शिकार खेलने आया, आराम करने नहीं। डांटेंगे भैंसा को अपने बापू के पीछे लगा दो ना, सब डांटना वाटना भूल जाएंगे। हाँ। यहाँ के पंखी बड़े चालाक मालूम होते हैं। ओ, आप उनको मार नहीं सके इसलिए? अच्छा आप उन पे बंदूक क्यों चलाते हैं, क्या कसूर है उनका? तुम मांस खाती हो? साग भाजी? हाँ। तो उनका क्या कसूर है, उन्हें क्यों काट कर खाती हो? उनमें भी प्राण है, काटने से उनको भी कष्ट होता है। सच? मुझे तो नहीं पता था, लेकिन पंखी और साग भाजी कैसे हो सकते हैं? पंखी को काटो तो वो तड़फड़ाते हैं, खून निकलता है, लेकिन साग भाजी ना तड़फड़ाए ना खून निकले। आपको पंखी का मांस बहुत अच्छा लगता है? इतना सब छोड़ दिया तो फिर शिकार क्यों करते हैं? तुमने तो मुझे मात दे दी, इसमें खटमल तो नहीं है? खटमल नहीं, होते तो अच्छा होता, आपको कुट कुट करके काटते। राम राम। मेरे बापू, बापू बहु रज्जक करी बेसारी अच्छे। बड़ी अच्छी हिंदी बोलती है तुम्हारी लड़की, बड़ी अच्छी, कहाँ सीखी? बचपन थी शहर में रही, मामा ने करे वहां हिंदी सीखी, लखे जाने वाची जाने। अच्छा लिखना भी जानती है पढ़ना भी जानती है, बड़ी तेज है लड़की। तुम्हारा आशीर्वाद थी। बापू हूँ जाऊँ छू, खाटलो तमे ले आवो, बहु भारी छे। अरे अरे बंदूक कहाँ ले जा रही हो? अरे सुनो तो, अरे बंदूक तो देती जाओ। यहाँ पे घर खड़े खड़े क्या करेंगे, घर चलिए, जब जरूरत होगी आपको बंदूक मिल जाएगी। साहब ये लड़की बहुत जिद्दी, एक बार जो मन में ले यही करे, अभी आपको घर चलना ही पड़ से। मैं कितनी बार समझाया कि बीजा के सामने जिद नहीं कर, पर आ लड़की कुछ समझे नहीं। साहब बचपन में यानी माँ मरी गई, मामा ने घरे खूब लाड़मा रही, इतने मन में आवे ते ही करे, बिल्कुल पागल छे। पागल? आप जब बंदूक का पहला भड़ाका करया मैं तभी आपको देखा था। अच्छा, पर जो ढंग से आप बंदूक चलावी मैं समझी गया आप नवा आदमी छो। साहब आप आम आड़े धड़े बंदूक चलाओशो तो एक पंखी भी नहीं मरे। क्यों? आ भाग मा ऐसे शिकार कोई करे नहीं, शिकार ना ढंग जुदो छे। ये भैंसा तुम्हारी लड़की की बात खूब मानता है। बराबर, बचपन थी गौरी ने इन्हें पाल्यो पोस्यो, गौरी ने बड़ो लाड़को छे, जब छोटा होता तो बहुत शांत, इतले गौरी ने नाम राख्यो शीतल, पण अब बड़ा तूफानी, बड़ी धांधली करे। गौरी सू बापू? साहब अहीं रोटलो खाशे पछी आराम करशे। आप समझ गए ना, बापू कह रहे हैं पहले कुछ खा लीजिए फिर आराम करिए। तू यानी साथे जजे शिकार में मदद करवा, मैं इन्हें बतावी दे दूं अहियां शिकार करवानो ढंग जुदो छे। आप फिकर ना करो, गौरी बहु होशियार, आपको शिकार का ढंग सब बतावे। साहब इस छोकरी की मने बहुत फिकर, सारा दिवस सही तही फिराज करे, इतनी बड़ी थई गई पर दुनियादारी बिल्कुल न जाने, चार दिवस बाद आणू छे, आणू समझो गौ ना, सासरे जवू पड़शे, माथे घर की जवाबदारी आवे, मने कुछ समझ नहीं पड़े शू थशे।
फिक्र मत करो, वक्त आने पर सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम्हारा जमाई क्या करता है? रेलवे में काम करे। रेलवे में? हाँ, मने भी अचरज लागे। पहले यहाँ कोई नौकरी नहीं करता था, सभी खेतर में ही काम करता था, पर समय समय नो रंग छे साहब, छोकरी ने भाग्य जमाई अच्छा मिला। रेलवे में क्या काम करता है? अच्छा काम, टिकट वाला। टिकट वाला? हाँ, रेल का डब्बा डब्बा में जाए, मुसाफिर का टिकट तपासे। टिकट कलेक्टर? हाँ, अच्छी पगार, खायकी भी मले। खायकी क्या है? खायकी मतलब चा पानी का पैसा, मुसाफिर दे। चलिए हाथ धो लीजिए। क्या कर रही हो? क्यों तकलीफ की? मेरा खाना मैं साथ लाया हूँ। ज्यादा न थी, आ तो गरीब किसान नो खानो छे, छाछ रोटलो, दया करी जमो। मगर मेरा खाना इसमें है। तो क्या आपको खाना ही पड़ेगा? आप हमारा मेहमान, मारा मान खाता थोड़ा खाओ, मने खुशी था से। थोड़ी बापू को भी दो। पहला आप, मेहमान। क्या मुसीबत है? पानी? यहाँ हाथ धो। खाइए, कुछ भी तो नहीं खाया आपने, खाइए ना थोड़ा सा और। बापू, साहब अब मैं रजा लूं, वक्त हो गयो, मने दूर जाना है। कहाँ? तानसा, वहां भी मेरा खेतर छे। गौरी, ध्यान रख जो साहब ने तकलीफ ना पड़े। राम राम। राम राम। बिछाना तैयार है, आप आराम कर सकते हैं। तानसा कितनी दूर है? 3 कोस। 3 कोस? हाँ, बापू वहाँ रोज जाते हैं। तुम खाना नहीं खाओगी? मैं तो कब की खा चुकी। तो फिर ये किसके लिए? ये शेनी के लिए, मुझे उसका भी ख्याल करना पड़ता है ना। सोचती हूँ जब मैं सासरी चली जाऊंगी तो उसकी देखभाल कौन करेगा, बड़ी फिक्र में हूँ। शेनी कौन है? तुम्हारी बहन? मैना, मैंने पाल रखी है, अभी दाना चुगने गई है, आती होगी। जब देखेगी कुछ खाने को नहीं है तो शोर मचाने लगेगी। गौरी, तुम्हारा पति रेलवे में काम करता है? टिकट कलेक्टर? बापू ने बताया। नाम क्या है? क्या नाम है उसका? धत, नाम नहीं लेते। तुम्हें तो लिखना आता है, लिख कर बता दो। क्या बात है? देखो मैं, देखो देखो मेरी मैना, वो देखो, वो आम का पेड़ है ना, उस पे शेनी का जन्म हुआ था। एक दिन सवारे देखा तो शेनी गिरी पड़ी थी,
अच्छा हुआ मैं वहां से जा रही थी, मैं उसे उठा लाई और पिंजरे में डाल दिया। उसकी माँ रोज आती थी, तितली देती थी उसे खाने को, मैं उसे सत्तू देती थी। एक दिन छीनी गायब, मैंने कहा चलो अच्छा हुआ, कौन रोज की रोज देखभाल करता। लेकिन जब मैं खेत से वापस आई तो देखा छीनी वापस, पंख फुलाकर मुंह हिलाकर कहती है मुझे खाने को दो। बस उस दिन से रोज सवारे चली जाती है और ठीक खाने के वक्त लौट आती है, लेकिन आज अभी तक क्यों नहीं आई? अच्छा आपको देख के नहीं आई, अच्छा चलिए अंदर आराम करिए। चलिए ना, अरे बाबा देखिए आपके पीछे मेरी मैनानी। आराम नहीं करना है, क्या मुसीबत। शैनी आ गई, शैनी मेरी मैना आइए। थक तेरे की उड़ गई। अच्छा बताइए आपसे सब डरते क्यों हैं? पंखी शैनी सिर्फ शीतल ही है जो आपसे नहीं डरता। आप आराम नहीं करेंगे? गौरी कमरे में वो फोटो किसकी है? कौन सी? एक ही फोटो तो है कमरे में, शक्ल अच्छी है, किसकी है? किसी की नहीं। किसी की तो जरूर है, कौन लगता है तुम्हारा? कुछ भी नहीं। मैं जानता हूं किसकी फोटो है। तुम्हारे पति की। जादव पटेल। ओ, तो आप उन्हें जानते हैं? हाँ, वह बहुत ही दुष्ट है। आप ठीक ही कहते हैं, जानते हैं मुझे क्या लिखते हैं? रोज लिखा करो, रंगीन कागज लिफाफा कलम सब भेज रखा है, लेकिन मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती, दिन भर काम जो करना पड़ता है, और यहाँ से पोस्ट ऑफिस भी बहुत दूर है, और मुझे अब चिट्ठी लिखनी भी नहीं चाहिए ना। आप उनको कैसे जानते हैं? मैं भी रेलवे में नौकरी करता हूँ। अरे अच्छा, आपके ऑफिस में कोई सोम साहब नाम का बड़ा अफसर है? सोम साहब? सुना है वह हर एक की रपट करता फिरता है। उन्होंने लिखा है कि उनकी भी रपट की है। क्या आपकी भी रपट की है सोम साहब ने? नहीं। उन्होंने लिखा है वो बड़ा पाजी है, अपने लड़के तक को नौकरी से निकाल दिया, बड़ा दुष्ट है, बिल्कुल शीतल की तरह सबको देख के फुंकारता रहता है। जरा सख्त आदमी है। तुम्हें मालूम है जादव घूस लेता है? क्या घूस? आप भी घूस कहते हैं? वो घूस वूस कोई नहीं लेते, उनको कंपनी से पगार मिलती है और मुसाफिरों से ऊपरी आमदनी, मतलब चाय पानी के पैसे मिलते हैं। चाय पानी का पैसा घूस एक ही चीज है। जी नहीं, आप कुछ नहीं जानते। बात यह है कि वो गाड़ी मुसाफिरों को आराम दिलाते हैं और बदले में उनको चाय पानी के पैसे मिलते हैं, ये घूस थोड़ी है। असल बात क्या है आप जानते हैं? सोम साहब को कोई पैसे नहीं देता, इसलिए वो जलता है और सबकी रपट करता फिरता है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ सोम साहब को। अच्छा, तुम उसे जानती हो?
शक्ल तो नहीं देखी, लेकिन वो क्या है वो जानने की अकल है मुझे। लगता है कुछ और शिकारी आ गए हैं, जल्दी करो नहीं तो वो सब पंखी उड़ा देंगे। ठहरिए। क्या है? कपड़े हैं, पहन लीजिए। देख क्या रही है, अंदर जाके बदल लीजिए ना, जल्दी करिए। मगर क्यों? मैं जो कह रही हूँ, आपकी इस पोशाक को देख के पंखी डर जाएंगे। आपको पता नहीं बाबू ने कहा था कि यहाँ का शिकार का ढंग जुदा ही है, इसीलिए मुझे ये कपड़े पहनने होंगे। हाँ, ऐसी बात इस जन्म में कभी नहीं सुनी। सुनते कैसे, आज ही तो आए हैं। हाँ, ये तो मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। तो फिर इतनी देर क्यों लगा रहे हैं, जाइए ना। बदलने ही होंगे। हाँ, तुम्हारे ख्याल से ये कपड़े देखकर पंखी भागेंगे नहीं? नहीं, आप तो बातों में लग गए, जाइए। इस कमरे में? हाँ। मगर क्यों? तुम मजाक कर रही हो? यहाँ पंखी का शिकार करूंगा तो क्या ये कपड़े पहने होंगे? गांव वाला बनना पड़ेगा। नहीं नहीं, मजाक कर रही हो तुम। ओहो, आप इतनी सी भी बात नहीं समझते। आपने जो कपड़े पहने हैं इनको यहाँ के पंखी नहीं पहचानते, वो आपके कपड़ों को देखकर ही समझ जाएंगे। आप गांव के रहने वाले नहीं हैं, अजनबी हैं, और अजनबी देखकर वो डर जाएंगे। डर गए तो फिर भाग जाएंगे, और अगर पंखी भाग गए तो आप शिकार किसका करेंगे, समझ गए ना? कपड़े बड़े गंदे हैं, बदबू आ रही। नहीं ठीक है, पंखी इन कपड़ों को पहचानते हैं, जरा देखो तो। नहीं ठीक है, आप जरा खड़े होइए। नहीं बहुत लंबे हैं, बैठ जाइए। क्यों, क्या करना होगा? पगड़ी नहीं पहनी? पगड़ी नहीं, नहीं ऐसी थी। तो हो चुका शिकार, पंखी समझ जाएंगे कि आप शिकार करने आए। जरा धीरज रखिए, मुझे पगड़ी बांध तो लेने दीजिए। देखिए आपको क्या से क्या बना दूंगी, बिल्कुल गांव का पटेल लगेंगे आप। क्या है, मुझे तो यूं देखना पड़ेगा। देखो कितनी उंगलियां? शायद दो। और अब? चार। शाबाश, बरोबर। अब अगर आप उनके पास गए भी तो डरेंगे नहीं, सोचेंगे आप कोई किसान है। तुम्हारे कहने से। देखिए तो क्या होता है, पहनिए। ये इडियट्स, शिकार का ढंग मालूम नहीं, चलिए शिकार करने। अरे ठहरिए, दीजिए 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 ना, आपके हाथ में बंदूक देखी तो बस। तुम्हारे हाथ में देखी, क्या हो रहा है ये सब नॉनसेंस? मैं तो छुप छुप के जाऊंगी। छुप छुप कर? हाँ। और मैं? जैसे लोग जाते हैं लाठी लेकर। हाँ। अब पंखी के पास चले जाओ, बिल्कुल पास चले। हाँ। हाँ। उन्हें मारूंगा कैसे, लाठी से? अब लाठी से मत मारिए, मैं जो आपको बंदूक पकड़ा दूंगी। चलो ये
सामान वहां पड़ा हुआ है, कोई ले तो नहीं जाए? नहीं। जरा ठहरो। हम अब दरिया के किनारे चलेंगे, वहां बहुत सारे पंखी, वो किस जगह बैठे हैं ये हम पहले दूर से ही देख लेंगे, भूत बंगले से। इधर कहाँ? भूत बंगला, आइए। ये सब किसका है? पहले ये सब राजा का था, अब यहाँ कोई नहीं रहता। सुना है यहाँ भूत हैं। Fantastic. क्या? बहुत सुंदर। जब मैं छोटी थी तो बापू मुझे कहानी सुनाया करते थे। कहते थे पुराने जमाने में बहुत गर्मी पड़ती थी, राजा अपने महल में गर्मी के मारे छटपटाने लगता था, इसलिए चला आता था दरिया के पास, यहाँ इस बंगले में, और गर्मी भर यहीं रहता था। यहाँ बिल्कुल गर्मी नहीं पड़ती, बहुत हवा चलती है, ठंडी ठंडी हवा। ये देखिए यहाँ पे झूला था, रानी दिन भर झूले पे बैठ के झूलती ही रहती थी। सांझ होते ही राजा रानी यहाँ आके बैठते थे और दरिया की तरफ देखते रहते थे। राजा रानी को कहानियां सुनाता था, राजा को बहुत सारी कहानियां याद थी। वो कभी दूसरे दूसरे देशों की कहानियां सुनाता, कभी लड़ाई की कहानियां सुनाता और कभी शिकार की। उस जमाने में भूत तो थे नहीं जो भूतों की कहानियां सुनाता, वो बाघ की भी कहानियां सुनाता था, शेर की कहानियां और हरिण की कहानियां। और कहानियां सुनते सुनते ही रानी अरे वो देखो वो उधर चलते हैं रेत के टीले के ऊपर।
यहीं पे ठहरिए, जब मैं पुकारूं तो आइएगा। देखो लॉक कर दिया। ठीक। आवाज नहीं करना, जानते ना पंखी बहुत चालाक है। बंदूक वक्त पर मिल जाएगी। छड़ी लाए वहां। Thank you.
सेफ्टी कैच। इतनी हवा, इतनी रेत, कुछ दिखाई भी तो नहीं पड़ता है ठीक से। ये सब क्या है? ठहरिए, आपको पेड़ बनना पड़ेगा। पेड़? हाँ हाँ, मैं ये सब पास के गांव से लाई हूँ। आपको कोई झंझट नहीं होगा, बस थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहना होगा। पंखी समझेंगे आप सच्ची पेड़ हैं। नहीं नहीं,
मरा नहीं, जिंदा है, इसे गोली नहीं लगी। बंदूक के धमाके से ही डर के गिर गया, सिर्फ डर से। अच्छा चलो, काफी पैदल जाना है। तुम्हारे बापू से कहना, उनकी लड़की बड़ी अच्छी है। अरे आप इसको साथ नहीं लेके जाएंगे? मैं तो भूल ही गया था। आप चाहे तो इसे पाल भी सकते हैं। देखूंगा। मैंने सुना है ये अपने जोड़े बिना जी नहीं सकते। हाँ सुना तो मैंने भी है। बहुत दूर आ गई, लौट जाओ, मैं चला जाऊंगा। आओ जो। बोलो भले। भले भले भले, आओ जो। सुनिए, कुछ कहना चाहती हो? चा पानी का पैसा लेना बुरी बात है, आप कह रहे थे ना? हाँ। तो मैं उनको चिट्ठी लिख दूंगी, फिर वो ऐसा कभी ना करेंगे, मेरा कहा जरूर मानेंगे। अच्छा, आपके ऑफिस में सोम साहब जो हैं, आप उनको जानते हैं? आप जानते हैं सोम साहब को? क्यों, क्या बात है? उनसे कहिएगा कि वो उनको नौकरी से न निकाले, फिर वो कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। अगर उनकी नौकरी छूट गई तो मेरा गौना न होगा, मैं सासुर न जा सकूंगी। लेकिन तुम जिनसे बोलने के लिए कह रही हो वो भी नौकरी करते हैं, नियम कानून मानकर चलना पड़ता है उन्हें। फिर भी बोलेंगे ना? मैं जाती हूँ। Thank you.
घुट जो रात सोना ने वाट करी चंदन जो घुट जो रंग जो रात वीराना जो गलिया ने रंग जो हो रात भाभी जी तारा लहरियो तो लहर कसबी कोर रे जो आपो मने लहरियो तो आप दिल मारो रे ननदी पूछे रात भाभी जी तारा लहरियो दिल रात अरे ये क्या आप वापस आ गए मैंने सोचा मैं तो अकेला हूं इस पंखी का क्या करूं आप इसे पाल सकते हैं शेनी की तरह तुम इसे रख लो तुम इसकी अच्छी तरह देखभाल कर सकोगी मगर आपने इतनी मुश्किल से पकड़ा है इसे आप ही रखिए ना तुम्हें पंखियों से बहुत प्यार है ना तुम इसे पाल लो आपने सचमुच दे दिया मुझे तुम्हारी शेनी के साथ इसकी खूब पटेगी अब तुमसे ये डरेगा नहीं मुझसे तो सभी डरते हैं चलो बहुत देर हो गई बोलो आओ जो आओ जो भले भले आओ जो अब देखो जब मैं फिर यहाँ आऊंगा तुम्हारा गाना जरूर सुनूंगा यादव पटेल कितने साल से नौकरी कर रहे हो जी 5 बरस हो गए और इससे पहले यह मेरी पहली नौकरी है तो ये सब उल्टी सीधी ट्रेनिंग कहां मिली जी बड़ी जल्दी एक्सपर्ट बन गए हो जी जी मैं समझा नहीं लो पढ़ो सब समझ में आ जाएगा लेते क्यों नहीं लो हां पढ़ो देखो अपने कारनामे अच्छी तरह देखो लाओ इधर लाओ लो इसे जला डालो और इसकी राख का तावीज बनाकर बांध लो सुनो इस बात तो छोड़ दिया तुम्हें लेकिन आइंदा सोच समझ कर काम करना
शौकीन और शिकार सोम साहब के जाने के कुछ दिन बाद उस लड़की को अपने पति जादव पटेल का पत्र मिला। अंत में उसने लिखा था, मेरी नौकरी बच गई और अब मेरा तबादला एक बड़े जंक्शन पर कर दिया गया है। बड़े जंक्शन का मतलब समझती हो? ज्यादा कमाई। आ